सुप्रभात। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म किसी असुर को मारने के लिए नहीं, बल्कि असुरी परिवृत्तियों जैसे कि लोभ, लालच, छल, कपट, द्वेष और ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में पाप का विकास और धर्म का विनाश होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कारावास में बंद करके खुद राजगद्दी ले ली थी। द्वारपाल युग में कृष्ण का जन्म ऐसे ही विषम परिस्थिति में हुआ था। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उसके राज्य में पूजा पाठ और सभी धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी गई थी। भयभीत होकर जी रहे थे। ना तो कोई नीति थी और ना ही कोई इंसानियत। चारों ओर उसके आतंक का हाहाकार मचा हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंश शूरसेन के बेटे वासुदेव के साथ किया। कंस खुद रथ का सारथी बना। देवकी को उसके ससुराल वासुदेव के साथ पहुंचाने निकलते हैं। देवकी वासुदेव की कारावास में डाल
डालने का ऐलान कर दिया। दिन गुजरते गए और जब देवकी को पहली संतान हुई तब वासुदेव को अपना वचन याद आ गया। यह अपनी पहली संतान कंस को सौंपते हुए बोले, मेरा काल तो आपका आठवां संतान है, मैं क्या करूंगा इस नन्हे बालक का, आप रखिए इसको। यह देखकर नारद मुनि सोच में पड़ गए कि अगर इसी तरह कंस दयालु बन जाएगा और अच्छा आचरण करेगा तो कैसे चलेगा, इसलिए वे कंस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, नारायण नारायण। प्रणाम मुनि जी, ये कैसे आना हुआ? राजन, ये देखिए आठ लकी है, इनमें से कौन सी आठवीं है ये आप खुद गिन कर समझिए। नारद मुनि की बात सुनकर कंस भ्रमित हो गया और उसने वासुदेव की संतान को बुलाया। सैनिक, वासुदेव और देवकी के संतान को लेकर आइए। इस तरह कंस ने देवकी और वासुदेव के हर एक संतान की हत्या कर दी और वो समय आ गया जिसका सबको इंतजार था। रात आधी बीत चुकी थी। ऐसी अंधेरी रात में मथुरा का कारावास उजाले से भर गया। देवकी और वासुदेव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी बेड़िया खुल जाती है, कारावास का दरवाजा खुद का खुद खुल गया और बाहर खड़े पहरेदार भी बेहोश हो गए। वासुदेव ने देवकी को अपने संतान से विदाई लेने को कहा। वासुदेव अपनी आठवीं संतान को लेकर यमुना नदी को भर बारिश में पार करते हुए गोकुल गांव की ओर चल पड़े। वासुदेव गोकुल में नंद और यशोदा के घर जाते हैं। वहां वे अपने बालक को छोड़कर वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागर में आ जाते हैं। कारागर में आते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जिगे रोने की आवाज सुनकर पहरेदार कंस को सूचित करते हैं। पहरेदार कंस को सूचित करते हैं कि देवकी है और वासुदेव की आठवीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस कारागर में भाग कर आता है, बच्चे को देवकी से छीन कर हाथ में लेता है। बच्ची आकाश में पहुंचकर हंस कर कहती है, गोकुल में तेरे काल ने जन्म ले लिया है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कंस खड़ा होकर देखता रह गया। गोकुल में नंद के घर कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। ये दिन गोकुल अष्टमी के नाम से लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। Thank you.
स्टूडेंट्स, लव्ड एज कृष्णा, समर एज वासुदेव, रितिका एज देवकी, विनायशा एज यशोदा, प्रद्युमन एज सैनिक, टियांश एज सैनिक, ध्यान एज विलेजर, मोहित एज विलेजर, मायरा, ग्रिश्मा, श्लोका, दिव्यांशी, मिश्का, निवान एंड फियान एज विलेजर्स। नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस अवर जॉय जंपर्स टीम चांदखेड़ा। ध्वनि मैम एज कंस, तरुणा मैम एज नारद मुनि, नारायण नारायण, केना मैम एज नरेटर, कृष्णा मैम एज सपोर्टिंग टीचर, पूनम, काजल, रिंकू, नेहा एंड दुर्गेश भाई एज सपोर्टिंग टीम, एंड आई एम निधि शर्मा, सेंटर इंचार्ज जॉय जंपर्स चांदखेड़ा। थैंक यू।